दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। आज मैं आया हूँ अदलपुर धाम। तो देख सकते हैं यहाँ जो सीढ़ियाँ बन रही थी वो बन चुकी है और इस वक्त मैं सीढ़ियों पे खड़ा हूँ। अगल बगल का नज़ारा आपको मैं दिखा दूँ। देख सकते हैं ये जो घाट बन रहा था वो बन के बहुत सुंदर हो गया है। देखिए यहाँ पर स्नान करने के लिए बहुत जगह भी बन चुका है। तो चलिए बैक कैमरा से आपको यहाँ का पूरा नज़ारा दिखा। दोस्तों देख सकते हैं जो अदलपुर में घाट बन रहा था वो बनकर रेडी हो चुका है और इस घाट से बनने के कारण दोस्तों यहाँ पे जगह पर्याप्त हो गया है और यहाँ पे जो भक्तगण आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, उनके लिए नहाने धोने का भी सुविधा बहुत अच्छा बन गया है। यहाँ बगल में दोस्तों आप देखे होंगे लैट्रिन बाथरूम की भी व्यवस्था हो गई है और गंगा नदी किनारे जो नाव पे घूमना चाहता है वो भी घूम सकता है। तो दोस्तों चलते हैं ऊपर, ऊपर का दृश्य आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे बैठने के लिए भी लगा है और ये सीढ़ियाँ एकदम चमचमा रही है। इस वक्त कोई गंदगी यहाँ पे नहीं है। तो देख सकते हैं यहाँ पूरा अपना सभी लोग दुकान लगाए हैं और इधर का नज़ारा आप देख सकते हैं, पूरा चारों तरफ दुकान लगा हुआ है और बहुत ही सुंदर देखने को यहाँ का दृश्य लग रहा है। तो एक बार आप यहाँ से देख सकते हैं जो माँ के मंदिर का ऊपर का सीन है वो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था। तो चलिए अब चलते हैं धाम के तरफ। यहाँ पे फूल माला हमने लिया, वहाँ पे देखिए ले रहे हैं सभी लोग, ले चुके हैं। तो अब मैं चलते हैं दर्शन करने के लिए। दोस्तों आज भीड़ नहीं है और आप लोगों को भी दर्शन कराएंगे एकदम साक्षात अंदर जाकर। कैमरा अलाउ नहीं है लेकिन हम आप लोग के लिए वीडियो बनाएंगे वहाँ का, तो बने रहिएगा हमारे साथ। चलिए चलते हैं सीढ़ियों के ऊपर। तो देख सकते हैं इस वक्त पूरा जगह खाली है। नवरात्र में यहाँ पे दोस्तों एकदम लाइन लगी रहती है, एक मिनट का जगह भी नहीं मिलता। देख सकते हैं पूरा सीढ़ी एकदम खाली है, दर्शन करने के लिए अभी कोई नहीं आया है। सुबह का एकदम टाइम है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आ चुका हूँ एकदम परिसर में। तो देखिए ये जो सामने मंदिर है, ये मंदिर पर नारियल लोग चढ़ा रहे हैं और ये है माँ शीतला का धाम। जय हो शीतला मैया। देख सकते हैं, तो चलिए अंदर चलते हैं, अंदर का भी दृश्य आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं यहाँ का साक्षात दर्शन कर लीजिए आप, ऐसा वीडियो में अभी तक कोई नहीं दिखाया होगा। दोस्तों यहाँ दर्शन करने के बाद लोग जो नारियल और प्रसाद बचा रहता है इस जो यहाँ पे बुढ़िया माँ का मंदिर यहाँ लोग कहते हैं, तो ये भी शीतला माँ का मंदिर ही है और यहाँ पर लोग आते हैं, यहाँ पर नारियल फोड़ कर चढ़ाते हैं और अपना प्रसाद लेकर जाते हैं। दोस्तों दर्शन हम लोग कर चुके हैं, अब आ चुके हैं धाम के नीचे और नीचे का सीन आप देख सकते हैं। यहाँ पे मार्केट लगा हुआ है, जिसको जो लेना है प्रसाद और नारियल चुनरी चढ़ाने के लिए वो ले सकता है। और यहाँ पे देखिए सेंगूर और एंगूर और शादी का जो तमाम यहाँ पे जो सामान है वो मिल रहा है, लोग यहाँ से ले जाते हैं। और आगे चलिए, आगे देखिए ये गली है और हर गली में आपको चमकता हुआ सामान मिलेगा एकदम गारंटी के साथ। कोई एक्सपायर वाला सामान नहीं मिलता माँ के धाम में। देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ की सजावटें जितनी सुंदर है आप देख कर अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना अच्छे लोग अपना दुकान सजाए हुए हैं। और यहाँ पे शटर बंद है, अभी सुबह है इसीलिए नहीं खुला है, शाम तक पूरा दुकानें खुल जाएगी। और ये देखिए बाइक लेकर लोग आ रहे हैं, इस वक्त पूरा खाली है यहाँ का एरिया। दोस्तों यहाँ नवरात्र में काफ़ी भीड़ लगता है, सबसे ज़्यादा भीड़ नवरात्र में शीतला माँ धाम अदलपुर में ही लगता है। तो दोस्तों कैसा लगा यहाँ का वीडियो आप लोग कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी, जय।